Hey, what's going on guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to the video. और guys, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं Life Simulator. और guys, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यार, Life Simulator में अभी के अभी अभी हम लोग बच्चे बने हुए हैं, ठीक है? एक साल हमारी उम्र है, अभी अभी अपन लोग जन्म लिए हैं और हम लोग इस वीडियो में देखेंगे अपना पूरा का पूरा लाइफ जर्नी. तो गाइज चलिए शुरू करते हैं. तो गाइज ये देखो यार, पहला मिशन मेरे को मिला है यहाँ पर ट्रैफिक क्रॉस करना है. ट्रैफिक नहीं, बोल रहा है कि हमारे ही टॉयज है जो आगे चल के ट्रैफिक बन चुके हैं. अरे अरे बोल भाई 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 भाई, आराम से भाई, अभी ठोक देता मर जाता भाई जन्म लेते के साथ. ऑलराइट तो गाइस ये देखो, हम लोगों ने सक्सेसफुली अपनी मॉम के पास यहाँ पर जाके मिशन कंप्लीट कर दिया है और अब हम लोग चलने वाले हैं नेक्स्ट स्टेज पर. एंड गाइस ये देखो, हम लोग भाई इवॉल्व कर चुके हैं यहाँ पर, मतलब एक टॉडलर नहीं रहे भाई, अब अपन लोग बड़े बन चुके हैं. और गाइस बड़े होते के साथ हमें अब भाई ऑफकोर्स खिलौने चाहिए. तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, तो हम लोग यहाँ पे टॉय नाइट सेलेक्ट करने वाले. ऑफकोर्स भाई अपन लोग टॉयज से ही ना खेलेंगे भाई. वहां पर देख रहे हो ग्लास का यार वेस रखा हुआ, अगर टूट गया ना मम्मी मार मार के परेशान कर देगी. ओनो कहीं ये पापा का कलेक्शन तो नहीं था? अरे भाई हम लोगों ने ये क्या कर दिया चॉप. फर्स्ट भाई आपने तो तोड़ दिया, अब आपको पापा छोड़ेगा नहीं भाई. ओ नो ये क्या कर रहा है भाई, पूरा तोड़ ही जा रहा है. अरे यार इसके पापा के लिए मेरे को बहुत बुरा लगा दोस्तों, लेकिन चलो कोई बात नहीं. अब हमारी जर्नी यहाँ पर और एडवांस कर चुकी है एंड लगता है फिर से लेवल अप होंगे रे बिड़ू. ये देखो गाइस, हमारा यहाँ पर जो पूरा का पूरा लाइफ है वो अब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है, क्योंकि हम लोग तीसरी बार लेवल अप कर चुके हैं. नाउ इट्स टाइम फॉर लंच. ओके तो गाइस हम लोग स्कूल में हैं और हमारे पीछे हमारी फ्रेंड है. ओके तो गाइस लगता है यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है. ओके तो हमारे पास दो ऑप्शन है, इनवाइट हर फॉर लंच और ईट अलोन. तो ऑफ कोर्स हम लोग इनवाइट हर फॉर लंच करेंगे. भाई अकेले बैठ के कौन खाना खाता है यार. चलिए मैडम जी साथ में खाना खाया जाए और ब्रेक में इंजॉय किया जाए. ऑलराइट लेट्स गो गाइस, स्कूल इज ऑल अबाउट मेकिंग फ्रेंड्स. आपको भी दोस्त वगैरह बनाने चाहिए. और अब हम लोग जा रहे हैं 6 ईयर्स ओल्ड वाले स्टेज पर, यानी कि अब हम लोग 6 साल के हो चुके हैं. एंड व्हाट इज दिस? अरे अरे मम्मी लगता है गुस्सा गई भाई. फर्स्ट भाई आपने बाथरूम गंदा करके छोड़ दिया भाई, अब साफ कौन करेगा? अरे भाई 6 साल के बच्चे को बाथरूम रगड़ने पे लगवा दिया, लेकिन चलो कोई बात नहीं. उठाओ भाई साहब यहाँ पे अपना स्पंज और लग जाओ एकदम रगड़ रगड़ के सफाई करने में. एंड गाइस एज यू कैन सी बहुत ज्यादा गंदा बाथरूम है बे, मतलब क्या अंदर जाना होता है भाई अपना बिजनेस कर रहे हैं, तुम लोग ऊपर ही करके भाग रहे हो ऐसा लगता है. लेकिन चलो कोई नहीं यार, मतलब बाथरूम गंदा कर ये लोग चमकाए हम लोग सही है भाई, यही तो लाइफ होना चाहिए. ऑलराइट लेट्स गो. काफी बाथरूम क्लीन कर दिया हम लोगों ने, आई गेस सिर्फ और सिर्फ 5-6% बचा है. एंड ऑलमोस्ट हो गया गाइस, ऑलमोस्ट हो गया 1% रिमेनिंग. एंड लेट्स गो, परफेक्ट. देखा इसको कहते हैं परफेक्ट भाई. ऑलराइट तो गाइस आप लोग देख सकते हो अब हम लोग 7 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं एंड यहाँ पर हम लोग ट्रांसफॉर्म कर गए. ऑलराइट सो गाइस मैंने एक्चुअली इंटरनेट बंद कर दिया था क्योंकि बहुत सारी एड्स आती है, लेकिन अभी को बात नहीं गाइस, हम लोगों ने गेम को दोबारा रीलोड कर लिया है और इस बार भाई एड वाली आई डोंट थिंक ऑप्शन हम लोगों को इशू होना चाहिए, लेकिन देखते हैं गाइस अब 7 ईयर्स ओल्ड में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है. ओके तो हम लोग आए हैं अपने डैड के साथ फिशिंग करने के लिए और यहाँ पर हम लोग या तो अपने दोस्तों के साथ मजे कर सकते हैं या फिर फिशिंग. तो भाई मैं जाऊंगा यार ऑफ कोर्स फिशिंग करने, क्योंकि फिशिंग कौन नहीं करता है भाई. आई मीन यार देखो, तुम अपने डैड के साथ मेमोरीज बनाने आओ, अगर बचपन में फिशिंग नहीं सीखोगे तो फिर कब सीखोगे भाई? आखिर कभी ना कभी चल करके तुम्हें मच्छी पकड़ के खाना ही पड़ेगा, तो अच्छा है कि आज ही सीख लो और इंजॉय यार बाद में भी कर सकते हो, ठीक है? तो गाइस देखते हैं क्या हम लोग मच्छी पकड़ पाएंगे या फिर नहीं. लगता है कुछ फंसा भाई. अरे खींचो इसको, इसको छोड़ने का नहीं है भाई, इसको खींचने का है. ओ ये देखो चॉप क्या मिला मेरे को. फर्स्ट भाई बहुत टेस्टी लग रहा है, इधर लाओ मैं खाता हूं. अरे अरे ऐसे कैसे भाई, रुक जाओ यार. ऑलराइट सो गाइस ये देखो हमें यहां पर एक गिफ्ट हैम्पर मिला है. अरे भाई हटाओ यार, ये फालतू गिफ्ट हैम्पर था, इसके अंदर तो नो एड्स का ऑप्शन था. ओके तो गाइस 8 ईयर ओल्ड में हमें क्या करना है, लोगों को टैग खेलना है, मतलब ये लोग पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स 8 साल के बच्चे और करते भी क्या है. फर्स्ट भाई आप मेरे को पकड़ नहीं पाते हो भाई, इनको कैसे पकड़ पाओगे? अबे तू 4 पैरों पे भागेगा तो कैसे पकड़ूंगा मैं? लेकिन ये देखो इनको पकड़ ही लूंगा मैं. अबे अबे कहां जा रहा है वो, तो पीछे निकल गया. रुक रुको रुको, अरे भाई क्या खेल गया यार मेरे साथ. ए भाई क्या कर रहे हो यार तुम? अरे रुको यार, यार पकड़ लिया भाई, हमारे चंगुल से नहीं बच पाओगे. ऑलराइट गाइस फाइनली हम लोग 9 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं. ओह हमारा लड़का भाई यहाँ पर इवॉल्व होते जा रहा है. ओके ओके नाइस. अब हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है गाइस, हैलोवीन आ गया है लगता है. अब हम लोगों को कॉस्ट्यूम चूज करना है, बनाना या क्लाउन. मैं बनाना बनूंगा भाई, क्योंकि देखो क्लाउन जोकर पता नहीं यार, फिर लोग मेरे यू नो बेस्ट फ्रेंड्स हमारे जोकर बोलने लगेंगे हमें, और 9 साल के बच्चों के पास दिमाग भी नहीं होता है. ओके तो गाइस आप लोग देख सकते हो एक और फ्रेंड हमारी यहाँ पर स्ट्रॉबेरी बन के आई है, जो कि हम लोगों को स्कूल में मिली थी. सो दैट्स नाइस, कम से कम हम लोग एक थीम के साथ जा रहे हैं. अब हम लोग यहाँ पर रोड पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं कैंडीज कलेक्ट करने के लिए नेबरहुड में. और यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, नाइस हाउस या स्पूकी हाउस. तो मैं स्पूकी हाउस चूज करने का सोच रहा हूँ गाइस, क्योंकि देखो स्पूकी का मतलब है वो बंदा हैलोवीन में इंटरेस्टेड होगा, लेकिन नाइस है तो इसका मतलब वो हैलोवीन में इंटरेस्टेड नहीं है भाई, उसने तो डेकोरेशंस भी नहीं किए. और हमारा गेस बिल्कुल सही निकला दोस्तों, जो स्पूकी हाउस वाले
बड़े अंकल थे उन्हें हैलोवीन का असली ट्रेडिशन पता है, और इसलिए उन लोगों ने बच्चों को डांट के कैंडीज के लिए भगाया नहीं भाई, शांति से दे दिया। ऑलराइट तो गाइस अब हम लोग हो चुके हैं यहाँ पर 10 साल के, और अब हम लोग आ चुके हैं स्विमिंग सीखने के लिए। ओ देखो एक छोटी लड़की तैर के चली गई बे। तब भाई जलवा दिखाना पड़ेगा लगता है। हाँ भाई चलो चलो हम लोग भी स्विमिंग कर ही लेते। क्या भाई ट्रेनिंग कितना करेंगे? अरे अरे ये तो डूबने लग गया। भाई लगता है आपने अच्छे से ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं की थी भाई, जोश जोश में होश खो दिया आपने। अरे अरे बचा लो पापा, मैं मर जाऊंगा यहाँ पे। अरे भाई गलती कर दिया यार, लगता है गाइस हम लोगों ने गलती कर दी। चलो कोई बात नहीं होता है। अरे इतना उदास नहीं होने का भाई, चलो इस बार एकदम सही आंसर चूज करेंगे दोस्तों बिना किसी गलती के। ओए इस बार ट्रेनिंग भाई ट्रेनिंग, कोई यहाँ पे जलन वाली भावना नहीं है। और ये देखो भाई क्या स्विमिंग किया है ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, मतलब यहाँ पे तो माइकल फेल्प्स को पीछे छोड़ देंगे हम लोग। अब टाइम आ चुका है ईयर 11 का, और गाइस 11 साल के हो चुके हैं हम लोग, अपने पापा के गैराज में आए हैं। व्हाट इज दिस, वाह, मतलब पहले मम्मी बाथरूम साफ करवा रही है, अब पापा गाड़ी साफ करवाएंगे। चलो कोई बात नहीं, हमारे घर का ही काम है, कोई दूसरे को थोड़ी बोलेंगे। तो चलो यार इसको रगड़ रगड़ के साफ करते हैं। सच बोलूं तो गाइस इस गेम को देख के भाई मेरे को पावर वॉश सिम्युलेटर की याद आ गई, एकदम ऐसे ही उसमें भी सफाई करते थे। बट कोई बात नहीं दोस्तों, लाइफ में कभी कभार हाथ गीले करने पड़ते हैं ताकि आप अच्छे इंसान बन सको। और अगर हम लोग आज डैड की मदद करेंगे तो कल जा करके जब अपन लोग उनसे PS5 या Xbox मांगेंगे तो वो हमें मना नहीं कर सकते, क्योंकि आखिर हमने भी तो मदद किया है भाई, है ना अच्छा आप समझ रहे हो। तो भाई आप तो बहुत तेज हो गए भाई यार, आपसे तो मेरे को टिप्स एंड ट्रिक्स सीखना चाहिए था भाई, पहले क्यों नहीं मिले आप मेरे को। अरे अब क्या करोगे दोस्त यार, ये सब जिंदगी का खेल है, बाकी सब तो तुम्हारे पीठ पे लगा हुआ मैल है। तो भाई यार मेरे पीठ पे कोई मैल नहीं है भाई। अबे चुप कर भाई, 4 दिन हो गए तेरे को नहाए हुए, पीठ पे पूरा पसीना जमा के बैठा हुआ है, बात करता है, मैल नहीं है भाई साहब। अगर इसको आप टब पे फेंक दो ना, टब का कलर चेंज हो जाएगा गाइस, पानी जो है वो ब्लू से ब्लैक हो जाएगा, ऐसा लगेगा किसी ने कोयला मिला दिया, इतनी गंदगी भर चुकी है। लेकिन इन भाई साहब को नहा रहे हैं, कोई बात नहीं ले जाएंगे अपन लोग इसको GTA वाले स्विमिंग पूल में डुबा के मारेंगे। लेकिन अभी के लिए मेरे को एक बात बताओ, ये ट्रक क्यों नहीं क्लीन हो रही है भाई? 99% पे आके अटक काहे को गया, ये 1% वाली गंदगी कहां छुप के बैठी है, कोई बताएगा मेरे को? भाई साहब सामने आ जाओ यार, इतना तो क्लीन कर दिया मैंने। तो भाई और रगड़ रगड़ के धो भाई, अभी लगता है काम फिनिश नहीं हुआ है आपका। अरे ठीक है भाई धो रहा हूं, रगड़ रगड़ के ही धो रहा हूं, और कितना रगड़ के धो यार, इस गाड़ी को धो डालूंगा भाई, पेंट निकल जाएगा। ओके लेट्स गो, फाइनली भाई वो जो 1% वाली गंदगी थी वो भी कंप्लीट हो गई, नाउ इट्स टाइम फॉर नेक्स्ट लेवल। ऑलराइट सो गाइस अब हम लोग हो चुके हैं 12 साल के, और 12 साल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समय होता है एक बच्चे के लिए। तो हम लोग आए हैं अभी चर्च में। अबे चर्च में काहे आ गए? चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, क्या चूज करना है? मैं वर्ल्ड पीस चूज करूंगा, भगवान को नकारना अच्छी चीज नहीं है। देखो भाई पंडित बगल में ही खड़े हैं, 2 चमाट लग जाएगी फिर सीधे हो जाएंगे ऐसे ही। ओहो देखो भाई आशीर्वाद दे रहे हैं। ऑल्दो गाइस हम लोगों के मन में तो भाई सिर्फ चिकन लेग पीस चल रहा था, लेकिन फिर भी वर्ल्ड पीस मांग लेते हैं भाई, सब कोई खुश रहे, अपने को क्या है भाई, अपन लोग भी खुश रहेंगे ना फिर। चलो सो गाइस नाउ इट्स टाइम फॉर ईयर नंबर 13, और अब हम लोग टीनेज में घुस रहे हैं। ओ भाई इवॉल्व कर गया हमारा लड़का, लेट्स गो क्या बनेगा भाई, ह्यूमंगस और बनेगा क्या? अरे नहीं बेंटन थोड़ी देख रहा हूं मैं। ओके तो गाइस हम लोग यहां पर आ चुके हैं क्लास के अंदर, एंड फुल एकदम कूल डूड वाला एटीट्यूड बना के आए हैं, किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है, अपना अपना काम से काम रखना है, सिर्फ आंखें सीधे चला के एकदम चलना है। अरे अरे ये क्या हो गया भाई, अबे तुमको क्या दिक्कत है बे, लात काहे को मारा इसने? फोटो भाई छोड़ दो भाई, आगे चलते रहो भाई। अच्छा भाई तू बोल रहा है तो फिर चलते रहता, नहीं तो इनका तो मुंह फोड़ देने का मन है मेरा। फोटो भाई देखो मेरे लिए भाई आगे चलते रहो प्लीज, आज नहीं लड़ाई कर रहा है किसी से। अरे अरे फिर से मार दिया भाई, देख चुप, अब मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा भाई, अब ऐसा। अरे अरे दिए जा रहे भाई, अरे 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 भाई तोड़ ताड़ के भाग गए यार। अरे भाई चुप, तेरे वजह से बहुत दिक्कत हो गया। फोटो भाई इस बार छोड़ा नहीं भाई, मैंने सोचा कि अपन लोग नहीं मारेंगे, गांधी जी का पॉलिसी अपनाएंगे, लेकिन ये गलत हो गया भाई। अरे दोस्त देखो इस बार बता तो क्या बे, क्या है पिछले बार ही तेरे को पीटने वाला था, चुप कैसे बच गया? आजा भाई आजा, मैं बुलीज को टॉलरेट नहीं करने वाला हूं दोस्तों, अगर तुम मेरे ऊपर हाथ उठाओगे तुम पटक दिए जाओगे। ऑलराइट इसको एकदम जोरदार घूसा मारूंगा। अबे मरा नहीं क्या? फोटो भाई क्या धीरा मारा है भाई, छी छी ताकत भी नहीं आपके अंदर। अच्छा रुक इस बार बताता हूं, ये बूम, अरे भाई क्या शॉट मारा एक बार में यार, तारी याद दिला दिए इसको तो। ओहो अरे 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 हटो हटो साइड हटो, फ्रॉस्टी भाई आ रहे ले, आ जाओ हमारी दोस्त भी यहाँ पर आ चुकी है, एंड लेट्स गो। अब भाई बनना कूल डूड, फुल कूल डूड एटीट्यूड हो चुका है गाइस, नाउ इट्स टाइम फॉर नेक्स्ट लेवल। और अब हम लोग हो चुके हैं ईयर 14 के। ऑलराइट तो हमें अपनी दोस्त के पास पहुंचना है, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कॉरिडोर पूरा का पूरा भरा हुआ है। अबे लड़के इधर से उधर काहे को भाग रहा है? अरे अरे टकरा जाओगे बे। अबे टकरा गया यार, ये क्या मैराथन नहीं चल रहा है भाई, जाओ ग्राउंड पे यार रनिंग
रनिंग करो अगर रनिंग करना है तो। ऑलराइट लेट्स गो, यहाँ पे क्या होने वाला है, मैडम जी से क्या बातचीत होगी? फ्रॉस्ट भाई लगता है कुछ होगा भाई। अरे अरे भाई साहब, यहाँ पे तो एक्शन हो रहा है गाइस। ओह शिट मैन, ओके तो वेल दैट वाज न्यू, आई डोंट नो व्हाट टू से यार। ये लड़का तो भाई केदार खिलाड़ी निकल गया, खिलाड़ी है। चलो कोई बात नहीं यार, अभी अपन लोग चलते हैं अपने ईयर नंबर 15 पे और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है सोने का। अभी सो रहे भाई, अभी कोई ऑप्शन नहीं आया, इतना ऑप्शन वाला गेम है, मेरा दिमाग खराब हो गया है। ऑलराइट, अभी जस्ट अपन लोग सो के उठे हैं, मौसम बहुत ही सुहाना है, दो ऑप्शन है, स्कूल जाओ या नहीं जाओ। देखो भाई सच बोलूं तो रियलिटी में मैं नहीं जाता, लेकिन जस्ट बिकॉज इट्स अ गेम मैं चला जाता हूँ, क्योंकि यार क्या पता अगर लेवल हार गए तो फिर डिग्री विग्री नहीं मिलेगी, ये लोग बोलेंगे नहीं नहीं तुम्हें हमारे हिसाब से गेम खेलना है। ऑलराइट, तो हम लोग स्कूल आ चुके हैं दोस्तों और यहाँ पर टीचर जी पढ़ा रहे हैं एंड अपन लोग, अच्छा आए नहीं थे, अब आए, वाह मतलब बहुत लेट आए यार। अच्छा इसीलिए ऑप्शन दिया कि जाने का है कि नहीं जाने का है, यार ये देखो सही बात नहीं है भाई, 15 साल के हो गए तो कम से कम सही समय पे उठ तो सकते हो यार तुम लोग। ऑलराइट तो गाइस, हम लोगों ने ये लेवल भी कंप्लीट कर लिया, लेकिन इट सीम्स लाइक इसका एक अल्टरनेटिव एंडिंग भी है, यानी कि हम लोगों ने सही कंप्लीट किया लेकिन एक बार और ऑप्शन मिला हम लोगों को इसको कंप्लीट करने का, तभी अपन लोग आगे जा पाएंगे। तो चलो देखते हैं भाई, जो दूसरा वाला ऑप्शन था यहाँ पे स्कूल स्किप करने का, अगर उसको सेलेक्ट करते हैं तो हमें क्या आउटकम मिलता है। ओके तो गाइस हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं जंगल पे। अरे जंगल वंगल में क्या कर रहे हैं भाई? फ्रॉस्ट भाई मैडम जी भी यहाँ पे खड़ी है भाई, आपकी फ्रेंड। हेलो हेलो, हाउ आर यू एवरीबॉडी, कैसे हो? सुबह सुबह कैसे मिलना हुआ, स्कूल नहीं जाना है बे तुम लोग को? है टीचर पकड़ लेंगे तो मारेंगे नहीं? अबे देखो यार बालकों को, देखो जंगल में जा रहे हैं, मतलब यार इसको कोई रोको भाई, इनके माँ बाप क्या क्या हो क्या रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, गेम है भाई तो चलता है सब, ठीक है। ओके तो गाइस अब टाइम है नेक्स्ट लेवल का, और नेक्स्ट लेवल के बाद एक बहुत बड़ा गैप होने वाला है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट लेवल में ऐसा क्या है भाई। ईयर 16 में आ चुके हम लोग, यहाँ पर चिड़िया चहचहा रही है, मस्त मौसम हो चुका है। ओए क्या करने वाले हो तुम लोग भाई, अबे खाई में कूदोगे क्या? अबे कूद गया, व्हाट भाई आप यार, क्या रूम आदमी हो भाई, इसको क्लिफ जंपिंग कहते हैं भाई। अरे क्लिफ जंपिंग भाई, पहली बार सुन रहा हूँ मैं। अच्छा अब हम लोगों के पास भी ऑप्शन आएगा क्या? अबे भाई कूदो कूदो भाई कूदो, गेम में तो पक्का कूदूंगा, रियल लाइफ में तो नहीं कूदने वाला था। अबे ये क्या 3D कैमरा वर्क भाई साहब, ओ माय गॉड भाई, कपड़े वपड़े तो हटा देते ऐसे, बोले पूरा पहन के ही कूद गए। चलो कोई नहीं यार, तुम लोग भाई अपना करो, हमें क्या लेना देना है। और अब टाइम है गाइस ईयर 20 का, वेल ये बहुत बड़ा स्टेज है गाइस हम लोगों के लिए। देखो अब हमारा लड़का इवॉल्व हो रहा है, पोकेमॉन चल रहा है क्या भाई, मतलब पिकाचू से राइचू बन रहे। अबे ये तो पूरा बदल गया भाई, डैम। ओके तो गाइस अब ये हमारे एज का हो चुका है, वेल दैट्स कूल। और सच बोलूं तो गाइस इससे आगे में देखो बहुत सारे ऑप्शन है लाइफ के, तो मैं सोच रहा हूँ ना कि इस वीडियो को यही पे एंड करते, और अगर आप लोग इस वीडियो पे इनफ लाइक्स करते हो तो फिर हम लोग यार 50K लाइक्स का इसका पार्ट 2 लाएंगे, और पक्का लाऊंगा क्योंकि मेरे को भी बहुत इंटरेस्ट है आगे जानने में क्या होगा, उसमें हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है गाइस, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग एंड स्टे फ्रॉस्टी।